नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रेमेडी लेके आओ, जो रेमेडी से आपका दांत को आप मोती की तरह चमका सकते हैं। वैसे हमारे देश में ज्यादातर 70-80% लोगों को फ्रेम दांत का प्रॉब्लम हो ही जाते, लेकिन दांत का प्रॉब्लम जब हो जाते, दांत में पीलापन हो आ जाते, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखते। आदमी के पास जाते तो आप भी देख के ऐसा लगते जो कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाला, फिर कोई पान, फिर तंबाकू खाने वाला, वो गैस कर ही लेते। तो फ्रेंड, हर आदमी चाहते कैसे ये जो पीलापन है, ये जो दांत का खोआ है, अंदर होल जैसा हो जाते, फिर दांत में किसी किसी का कीड़ा भी पड़ जाते, वो कैसे रोका जा सकते। तो फ्रेंड, ये जो आपके लिए रेमेडी लेके आओ, ये बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जैसे दांत का जो पीलापन है फ्रेंड, वो आपका हट जाएगा। फिर इसका जो दांत का जो झनझनाहट होते हैं, फिर सेंसिटिव हो जाते दांत, कुछ भी ठंडा चीज नहीं खा सकते फ्रेंड, वो प्रॉब्लम भी चला जाएगा। अगर किसी का दांत में होल आ गया, फिर दांत का कोई कीड़ा वगैरह लग गया, वो भी फ्रेंड ये रेमेडी से आप आसानी से हटा पाओगे और आपका दांत को पूरा मोती की तरह चमकाएगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो, ये रेमेडी शुरू करने का पहले आपका पास एक रिक्वेस्ट है। जो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते। ये रेमेडी बनाने के लिए आपको जो जो चीज चाहिए वो है फ्रेंड, आप देख सकते, ये लहसुन है, फिर आपको लगेगा थोड़ा हल्दी, एक पेस्ट का जरूरत पड़ेगा, फिर फ्रेंड नींबू का जरूरत पड़ेगा, फिर एक चम्मच का जरूरत पड़ेगा, और एक ब्रश भी ले लेना, आप इधर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देते कौन सा क्या काम करने वाला है। फ्रेंड, नींबू जो है इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाते नींबू, और आपका हल्दी जो है फ्रेंड, ये एंटीबॉडी से कोई भी कीटाणु ये मारने में बहुत ही आसानी से मर सकते। और फ्रेंड, लहसुन जो है ये आपको शरीर का एंटीबॉडी क्रिएट करते, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो वो क्षय रोध करते, फिर अंदर से भरपाई भी करते। और पेस्ट है फ्रेंड साफ करने के लिए। तो ये इस सभी का मिश्रण फ्रेंड अच्छा करके करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा और इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो वीडियो को आपको पूरा तरह देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर उल्टा सीधा अप्लाई कर लोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते। तो सिंपली ये जो लहसुन है ज्यादा नहीं लेना, 3 से 4 ही कुआ लेना, और वो अच्छा करके पीस लेना। जैसे कि आप देखा मैं जैसे अच्छा करके पीस लिया, बस ऐसे ही पीस लेना। लेने का बाद फ्रेंड जो नींबू लिया था वो नींबू इधर में पूरा निचोड़ देना, थोड़ा ज्यादा नहीं ले लेना, अगर ज्यादा लोगे तो आपका दांत का खट्टा होने का संभावना रहते। निचोड़ देने का बाद फ्रेंड इधर में आपको पेस्ट लेना पड़ेगा, तो भी हिसाब से लेना, इतना ज्यादा नहीं ले लेना। फिर आपका जो हल्दी है फ्रेंड, हल्दी भी इधर ले लेना, आप देख सकते पूरा चम्मच नहीं, आधा चम्मच हल्दी ले लेना है। लेकिन इसको फ्रेंड अच्छा करके मिक्स करना पड़ेगा, हालांकि इसका मिक्स इतना आसानी से नहीं होते, फिर भी कोशिश करना, जितना अच्छा मिक्स कर पाओगे उतना ही अच्छा रेमेडी बनेगा आपको। थोड़ा टाइम लगेगा एक मिक्स करने के लिए। तो फ्रेंड, आपको और एक बार पीस पीस के और एक बार बता देते हैं क्या क्या काम करेगा। आपका मान लीजिए आपका दांत में ज्यादा से ज्यादा पीलापन आ गया, वो चला जाएगा, फिर झिनझिनाहट जैसा हो जाते, सेंसिटिव हो जाते, ठंडा पानी नहीं पी सकते, वो प्रॉब्लम भी चला जाएगा। और फिर आपका दांत में अगर होल गिर गया फ्रेंड, वो भी आसानी से भरपाई हो जाएगा इससे। सिर्फ यही नहीं, आपका दांत में जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, जितना भी प्रॉब्लम है अभी तक, तो फ्रेंड ये इसका इस्तेमाल के अच्छा अच्छा तरह इस्तेमाल कर लेना घिस घिस के, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, दांत में कोई भी प्रॉब्लम, पीलापन हो, फिर झिनझिनाहट हो, फिर दूसरा कोई भी प्रॉब्लम है फ्रेंड, A to Z ठीक हो जाएगा दांत में। लेकिन इसका जो अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे आम जैसे पेस्ट यूज करते ऐसे यूज नहीं करना। जैसे पेस्ट कोई कोई आदमी तो दिन में एक बार करते यूज करते, और ज्यादातर आदमी दिन में 2 बार, अर्थात सुबह में 1 बार, शाम को 1 बार यूज करते। तो फ्रेंड ये
तो फ्रेंड इसको हर रोज यूज नहीं करना, हफ्ता में सिर्फ दो ही बार यूज करना, तो आपका जो दांत का जो प्रॉब्लम है, पहले तो लगातार दो से तीन दिन कर लेना, क्योंकि जितना भी पीलापान है वो पूरा के पूरा हट जाना चाहिए। और उसका बाद फ्रेंड अगर आप एल्पाइप का लोगे, जैसे पान बीमार बीड़ सिगरेट खा अगर नहीं छोड़ना है, अगर फिर से अगर पीलापान आ रहा है, तो हफ्ता में दो बार इसका इस्तेमाल कर लेना, तो आपका दांत पूरा के पूरा मोती की तरह चमकने लगेगा। तो फ्रेंड ये रेमेडी यूज करके आपको अगर बेनिफिट मिले तो ये वीडियो जरूर ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंचना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हमारे देश में लगभग 70-80% लोगों को है और सबको ये प्रॉब्लम हट जाना चाहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करना और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।